السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدس معك پیر طریقت صدر خادی سا قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدی عبد الرحمن قبلہ علیہ رحمت و رضوان دامت برکات العالیہ निकल जाते निकल जाते बस बार बार निकल जाता है पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत सैयद अब्दुर्रज्जाक शाह क़ादरी क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह हजरत सैयदी मुराद शाह सैयदी मर्दान अली शाह क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान दामत बरकातुल आलिया व मोहसिन मिल्लत तक़द्दुस मआब हजरत अल्लामा मोहसिन पाशा क़िबला कामिल जामे निज़ामिया अदामुल्लाहु क़ुयूदहुल आलिया व जमी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी बुज़ुर्गान मिल्लत व मशायख़ किराम अदामल्लाहु फ़ियुदहुम अलिया काबिल क़द्र जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु तआला हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे वली कामिल हज़रत सैयदी अब्दुर्रहमान शाह क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान के उर्से शरीफ के मौके पर हजरत की बारगाह में हाजिर होने का शरफ़ अता फरमाया और उसी मुनासबत से अपने घर में इन पाकिदा हस्तियों के ज़िक्र शरीफ की नूरानी महफिल में जमा होने का शरफ अता फरमाया है। मैं अपने बुज़ुर्गों के हुक्म की बजावरी के लिए और सआदतमंदी के हुसूल के लिए कुछ ज़िक्र शरीफ अर्ज़ करके अपनी बात को समेट लेता हूँ। अल्लाह के दोस्तों की शान अज़मत सीरत खुद अल्लाह पाक क़ुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान फरमाया है। उसमें से मशहूर आयत करीमा जो औलिया अल्लाह की अज़मत के धार के लिए ख़ास वलीउल्लाह का नाम लेकर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है वो हम बासफ़ा उलमाए किराम से बुज़ुर्गान दीन से सुनते रहते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम सदक़ अल्लाहुल अलीउल अज़ीम। अल्लाह पाक खुद अपने दोस्तों का ज़िक्र क़ुरान करीम में फरमा रहा है।
सुनो, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना ये रंजीदा होंगे। अल्लाह ने पहले उनकी आज़मतों को बयान किया, इनकी शान यह है ना कोई खौफ है ना रंजीदा होंगे, ये आज़मत है। सीरत क्या है, क्यों ये बड़े मुकामात इनको मिले हैं, आगे बताया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाकर तक्वा की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सीरत भी बयान कर दिया अल्लाह ने, ये ईमान वाले होते हैं, वली तक्वा वाले होते हैं। ईमान का मतलब अकीदा सही होना, तख्वे का मतलब अमल सही होना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिसका अकीदा सही है अमल सही है वही अल्लाह का दोस्त है, दोनों जमा हो गए तो वलीउल्लाह हो गए। ईमान एक ऐसी दौलत है आदमी को अबदी मुसीबत से बचा लेती, हमेशा की मुसीबत से बचा लेती। यानी ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए आदमी दोजख में चले जाता है, मरने तक तो आजमाइश की जगह सजा की जगह नहीं, मर गया वही हालत में हमेशा दोजख में, कोई मामूली बात नहीं, हमेशा दोजख में रहना। हम थोड़ी देर के लिए एक शोले को हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो दोजख के अंदर कैसा रह जाइए बोलो, हमेशा वही है। और फिर अल्लाह की तमाम नेमतों से महरूम हमेशा के लिए, जन्नत मिल गई तो हर नेमत मिल जाती, जन्नत में तमाम मादी नेमतें भी है रूहानी नेमतें भी है। मादी नेमतों से मुराद वहाँ बागात है, चश्मे है, आला किस्म के महल है, वो मादी नेमतें। रूहानी क्या है, वहीं पर औलिया अल्लाह की सोबतें मिला करती है, वहीं पर अंबिया किराम के साथ रहने का शरफ मिलता है, जब चाहें इन अंबिया किराम का दीदार करने चले जाएं, जब चाहें नबियों के सुल्तान की जियारत से मुशर्रफ हो जाएं, उधर अल्लाह पाक का जलवा देखने को नसीब होता है। वो अल्लाह की रहमतों की जगह है, उसके फजल की जगह है, रिजा की जगह है, गजब नहीं है जन्नत के अंदर, दोज़ख गजब की जगह है, रिजा और रहमत नहीं है। तो हमेशा के लिए आदमी ईमान से महरूम हो जाए, उन नेमतों से भी महरूम है, इन मुसीबतों में भी पड़ा है, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो जाए, हमेशा के लिए मुसीबत से बच जाएगा, नेमतों से सरफराज होगा। ये बहुत बड़ी नेमत है ईमान भी, बोलो मैं ईमान खुद कुछ कम नहीं है, लेकिन बड़े दर्जे नहीं पा सकता आदमी। ईमान तो रखता है, अच्छे अमल नहीं रखता, बड़े दर्जे नहीं। फिर गलतियां हो गए, अल्लाह की मर्जी, सजा दे तो दे, माफ करे तो माफ करे, उस पर कोई माफ करना जरूरी नहीं। अल्लाह अपने शान करीमी से माफ कर दे, करम है, सजा दे तो उसकी मर्जी है। अल्लाह ने हबीब ने बार बार डराया है बदअमली से, फिर भी करे तो सजा दे तो मर्जी, माफ करे तो करम है, मगर सजा दे तो हमेशा मोमिन नहीं रहेगा। कोई वली एक सिफारिश करके निकाल लेंगे, या अंबिया की सिफारिश होगी, हबीब जो अल्लाह के हबीब है, नबियों के सुल्तान है, वो तो कलमा पढ़ने वाला जो भी मुखलिस होगा उसमें एक गुनाहगार को भी रहने नहीं देंगे, पूरी दोजख ही खाली कर लेंगे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पक्का है। मगर ईमान शर्त है, अल्लाह भी फरमाता इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह उसके साथ शिर्क किए जाने को माफ नहीं करेगा, इसके नीचे जितने गुनाह है वो जिसे चाहे माफ कर देगा। शिर्क कुफ्र दोनों बराबर वाले गुनाह, वो दो नहीं माफ होते, उसके नीचे वाले बदामालिया बदअखला कुछ भी माफ कर दे अल्लाह, वो फरमाता मैं जिसे चाहे माफ कर दूं, जैसे चाहे गुनाह, समंदर की मौजों के बराबर भी है अल्लाह माफ फरमा देने वाला, एक एक गुना पहाड़ के बराबर वो भी माफ, बशर्ते के शिर्क कुफर के नीचे हो। ईमान की बरकत बताता हूं, ईमान खुद एक ऐसी अजीम दौलत है, हमेशा के अजाब में
रहने से बच जाता है, हमेशा की नेमतों का हकदार बन जाता है। उसमें अगर तख्वा मिल जाए, आमाल मिल जाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है, कोई खौफ ही नहीं है। अरे गुनाहगार है भाई, डर है, सजा देता नहीं मालूम, माफ करता नहीं मालूम। मगर अल्लाह दोस्तों को कहता है, दोस्त वो जो ईमान में तख्वा मिला लेते हैं, उनको कहता है कोई खौफ ही नहीं है। सबके लिए खौफ है, खबर में क्या होता नहीं मालूम, महशर में क्या होने वाला है नहीं मालूम, जहन्नम में बचकर जन्नत में जाएंगे या कुछ सजा के बाद जाएंगे नहीं मालूम। हर एक डरते रहता है गुनाह करके, लेकिन अल्लाह दोस्त को कहता है कोई खौफ नहीं, यहां से वहां तक मेरे करम और रहमत में रहेगा ये अल्लाह का। फिर उनके तखवे भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, हर वली का तखवा बराबर नहीं, हर वली का खौफ, हर वली का नबी से इश्क, हर वली का शाने गुलामी, अपने अपने दर्जे के लिहाज से अल्लाह के पास खुरबियों सा बढ़ा है। इसीलिए अल यवाकित वल जवाहिर नामी किताब में बहुत बड़े आलिम जलील वली कामिल ने लिखा है, औलिया अल्लाह के 2,48,000 किस्म होते हैं, यानी अपने अपने खौफ, अपने 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 अपनी पैरवी नबी की गुलामी के अतबार से वो मराती है। तो ईमान में जब अमल मिल जाता है, अब इसके बाद दर्जात शुरू होते हैं। बल्कि क्या है, गुनाहगार वो रब की, उसके महबूबों की नजरे करम का मोहताज होता है, मगर जब अमल के, ईमान के साथ अमल दोस्त मिला लेके वली बन जाते हैं, इनकी नजरे करम जिस पे पड़ जाती है वो भी नवाजे जाता है। गुनाहगार है, दोजख में है, वली का है, आए अल्लाह इन्हें माफ कर दे, अल्लाह ताला दोस्त की खातिर उन्हें भी दोजख से निकाल। तो ये औलिया अल्लाह ना सिर्फ दोजख से बचते हैं, बल्कि जिस पे करम करे उसे निकाल भी लेते हैं। शान है औलिया अल्लाह की। तो मुअज्जज सामने किराम, मैं एक बात अर्ज करता हूं, कुरान हो या अहादीस हो या औलिया अल्लाह की किताबें, ईमान के साथ अमल पर बहुत जोर दिए। एक तो ईमान की सलामती, वो तो असल है, जड़ पेड़ है, अमल पर भी बहुत जोर दिए, ताकि बंदा अल्लाह के गजब से बच जाए, नाराजगी से बच जाए, उसके अजाब से बच जाए, बड़े बड़े दर्जे का मुस्तहक हो जाए। आमाले सालेहा के मामले में बहुत कुरान ने भी, हदीस में भी, औलिया अल्लाह की किताबों में बहुत जोर दिया गया। लेकिन उसके साथ में एक आपको एक बात अर्ज करता हूं, बाद अशार इस किस्म के भी, ना जुहद आया, ना ताते आई, ना तखवा आया, सिर्फ हुब्बे नबवी हश्र में काम आई जलील। ये शेर है, मगर ये शेर का अगर मतलब समझे बगैर पढ़ेंगे तो कुरान की भी मुखालफत होगी, हदीस की भी मुखालफत होगी, औलिया अल्लाह के इरशादात की भी मुखालफत होगी। ये नहीं बोल रहे ये काम नहीं आए, काम नहीं आए तो अल्लाह हुक्म क्यों दिया तखवे का, नबी ने हुक्म क्यों दिया, औलिया अल्लाह ने तरगीब क्यों दिया, फिर ये काम नहीं आए तो औलिया अल्लाह क्यों सुबह शाम इताअत में लगे रहे, क्यों औलिया अल्लाह मुस्तफा की गुलामी को, काम नहीं आने वाली चीजों में वक्त क्यों लगाया औलिया ने, सवाल आता नहीं तो समझने का रहता। काम नियाई का मतलब बगैर मोहब्बत रसूल के काम नियाई, ये मतलब है। इन्होंने मोहब्बत रसूल के साथ किया तो वली बन गए, काम क्यों नहीं आई, एक मोमिन को वली बना दिया ईमान और तखवा ने। खाली मोमिन है अमल नहीं तो वली बोलते क्या जी, इनको काम नहीं आया नहीं, जो मोहब्बत के साथ नबी की सच्ची चाहत के साथ अमल किया उसको वली बना दिया, और जो बगैर मोहब्बत के क्या उसे काम नहीं आया, ये मतलब है। सिर्फ हुब्बे नबवी मतलब इसका यह है, नबी की मोहब्बत के साथ अमल है तो काम आता है। ये नहीं समझे काम आता ही नहीं, काम आता ही नहीं तो फिर इतना औलिया अल्लाह को किताबों में जोर देने की क्या जरूरत, डराने की क्या जरूरत। हर पीर और मुर्शिद अपने मुरीद को डराए हैं, हर वली उम्मत मुस्तफा को डराए हैं, हबीब पाक ने अपनी उम्मत को, अहादीस आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसा खौफ दिलाए।
अल्लाह ने बार बार किस तरह आमाले सालिहा की नसीहत किया, वहीदें सुनाया, अजाब से अल्लाह ने भी डराया, उसके हबीब ने भी डराया। काम आती नहीं तो फिर ये डराने की क्या जरूरत, काम नहीं आती तो फिर हुक्म ही क्यों दिया अल्लाह। नमाज काम नहीं आती तो पढ़ो क्यों कहा है, रोजा काम नहीं आता तो रखने का हुक्म क्यों, जकात काम नहीं आती तो अदा करने का हुक्म क्यों, हज काम नहीं आती तो अदा करने का हुक्म क्यों, बड़े बड़े अंबिया दूर दराज से आए क्यों हज करने, ये सब काम नहीं आती नहीं है, बे उल्फत मोहब्बत के काम नहीं आती। तो मैं मतलब समझा रहा हूं, आमतौर पर क्या होता है शेर सुन लिए उसका मतलब नहीं समझे, आदमी धोखा खा जाता, अरे काम आम नहीं आता, मियां सिर्फ मोहब्बत है बस है। अब उसके ऊपर हदीस भी है बड़ी, हदीस सुना दो मैं आपको, मतलब सही मफहूम समझ के चलना, आमाल की भी अहमियत है, वरना अल्लाह बोल रहा ईमान के साथ अमल है तो मेरा दोस्त है, बगैर अमल के कोई दोस्त नहीं, मोमिन हो सकता दोस्त नहीं हो सकता, पक्की बात है। दोस्त बनने के लिए ईमान में अमल मिलना जरूरी है। किसी से भी पूछो, मुहद्दिसीन क्या बताए, मुफत्तरीन, फुकहा, औलिया, सब ने एक बात बताई। अब कुरान में हदीस शरीफ है, एक सहाबी रसूल रजी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने पहले कयामत के लिए तैयारी क्या की वो बताओ। तो वो सहाबी रजी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना ज्यादा नमाजें जमा किया हूं ना ज्यादा रोजे, इतना है नबी की मोहब्बत सीने में रोशन है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब, कयामत में आदमी उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। जब तुमको मुझसे मोहब्बत है तो तुम मेरे साथ होंगे महशर में, जब मैं खुद साथ हूं तो कयामत के बारे में क्यों परेशान हो रहे। मतलब तो ये मोहब्बत वो दौलत है नबी की, जिसको हो जाए जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी महशर में हबीब से उतना ज्यादा करीब होगा। तो औलिया अल्लाह बेपनाह मोहब्बत रखते हैं अपने नबी से, लिहाजा वो जितनी आला मोहब्बत रखते हैं उतना ज्यादा हबीब से करीब होंगे। और मोमिन ये भी मोहब्बत से खाली नहीं है इनका सीन, ये भी अपनी मोहब्बत के मुताबिक अपने नबी से करीब होंगे। लेकिन ये हदीस पढ़कर बाद लोगों ने गलत मफहूम निकाल लिया है, देखो सहाबी का ना अमल, बोल रहे हैं मेरे का ना नमाज ना रोजा, कि मोहब्बत है बोले तो देखो प्यारे नबी बोले मेरे साथ रहेंगे, बोले ये अमल उमल कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सहाबी बोल रहे हैं ना ज्यादा नमाज ना जा। इसमें गौर करने की बात यह है, कोई सहाबी नमाज छोड़ने वाले नहीं थे, रोजा छोड़ने वाले नहीं थे, एक बात याद रखो, पक्की बात बोलो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र और ईमान के बीच में फर्क नमाज है बोले, हम किसी काफिर और मोमिन का फर्क समझेंगे तो नमाज को देख के, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाद मुनाफिकीन भी रहते थे, कलमा पढ़ के दाखिल हुए मगर दिल में ईमान नहीं था, धोखे के लिए, धोखा देना मकसद था, नमाजों में साथ रहते थे लेकिन नमाजों में सुस्ती करते थे, नमाजें कई बार छोड़ भी देते थे। तो लेकिन कोई सहाबी नमाज नहीं छोड़ते थे, तो कोई अगर बेउज़्र के नमाज छोड़ता तो सहाबा के जमाने में समझा जाता कि ये मुनाफिक है, क्यों कोई सहाबी भी नमाज नहीं छोड़ते थे, बेउज़्र की बात करो, कोई छोड़ते तो समझते मुनाफिक है, दिल में ईमान नहीं है, धोखा दे रहा, इसलिए नमाज की अहमियत नहीं है। प्यारे नबी भी फरमा रहे हैं, कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है, कोई नमाज पढ़ रहा तो हम समझेंगे मोमिन है, नमाज नहीं पढ़ा तो समझेंगे काफिर है। तो अब ये होते हुए एक सहाबी रसूल रजी अल्लाह ना नमाज पढ़ते थे ना रोजा रखते थे, मतलब ही नहीं है,
सहाबी रसूल रजी अल्लाह के फरमाने का मतलब है ज्यादा नमाज ज्यादा रोजे ने, मतलब जितने जरूरी है उतने तो नमाजें अदा कर लेता हूँ, जरूरी फर्ज रोजे तो रख लेता हूँ, या रसूल अल्लाह नफिल की कोई कसरत नहीं है मेरे पास, रोजों के नवाफिल की कसरत नहीं, फराइज तो अदा कर लेते हैं नवाफिल की कसरत नहीं है। तो आका ने फरमाया जब जरूरी अल्लाह के काम दिए हुए तो कर ले रहे है, ज्यादा नहीं करे तो क्या बात, मोहब्बत है बस खुर्म मिल जाएगा, ये मतलब है। यहां नमाजों के बगैर रोजे के बगैर ये तशरी अगर कहीं जहन में आए तो बच के रहना चाहिए, वो नमाज कुछ काम ही नहीं आती। देखो साहबी को बोले नमाज नहीं है रोजा नहीं है, बोले तो भी मेरे करीब रहते, बोले क्यों, मोहब्बत की वजह से। वैसा नहीं है, आपने नवाफिल की नफी की है, नफिल नमाज नफिल रोजा नहीं है, और इबादतें करके भी अपने को मामूली कहना ये आजीजी है, मुस्तफा के लिए सिखाया था आजीजी का भी धारा है और अल्लाह के नबी जानते थे। तो इन हदीसों को लेकर कई लोग धोखा भी खाए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह के दोस्त के जिक्र करने का मकसद भी ये होता है, हम भी दोस्त का जिक्र उनकी सीरत उनकी आदतें सुनते हैं, हमें भी वही मिजाज आए। अब एक तरफ हम औलिया की शान बताएंगे, उनकी इबादतें रियादतें क्या थी, उनका तखवा क्या था, हम ये बताएंगे ताकि सुनने वालों में भी तखवे का जज्बा हो, देखो इन्होंने तखवा को अपना के खुरब इलाही को पा लिया, दोस्त बन गए। उसके बाद ये शरा हो, ये तखवा उखवा काम नहीं आता, मोहब्बत का पूरा औलिया की शान बयान करना गलत हो जाता है, उनकी सीरत गलत, उनकी इबादतें रियादतें तहज्जुद, ये रियादत मुजाहदात बोलते किसको है, फराइज से हटकर रात रात भर इबादतों में मशगूल रहते थे औलिया अल्लाह। अब हम बोले कुछ भी काम नहीं आता, बोले तो ये है जी, मोहब्बत के बगैर काम नहीं आता, ईमान के बगैर काम नहीं आता, निस्बत के बगैर काम नहीं आता, ये मतलब है। यानी काम नहीं आता का मतलब ये निस्बत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, ईमान ही नहीं, काम नहीं आता, क्योंकि ईमान पे दारो मदार है, ईमान का दारो मदार मोहब्बत है रसूल पे है। मैं सही तशरी कर रहा हूं, वरना इतना जलाल प्यारे नबी को क्यों है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा जी चाहता है कि जो लोग मस्जिद को नमाज पढ़ने नहीं आते हैं मेरी जगह दूसरे को इमामत पे खड़ा करके इन लोगों को जो मस्जिद को नमाज पढ़ने नहीं आते हैं इनके घर के साथ आग लगा दूंगा। बल्कि बोले वो रहमत वाले नबी हैं, ये नहीं करेंगे, लेकिन अहमियत बताने के लिए कि मेरा जलाल देख के तो समझो इबादत की क्या आजमत, आखा तो यूं जलाल में आ रहे हैं यूं इबादत की तरफ ला रहे हैं, और हम बोले ये काम नहीं आने वाले नहीं, ये काम आने वाली नहीं, सिर्फ निस्बत मोहब्बत काफी है। इस तरह हम उन दलाल को ले जिसमें जिसमें ये है, वो अमल काम नहीं आते जिसमें निस्बत ना हो, वो अमल काम नहीं आते जिसमें मोहब्बत ना हो, ये मुराद है। तो अमल ही काम नहीं आते ये समझना गलत है, वरना प्यारे नबी का जलाल क्यों। एक मर्तबा तो कहे खास मुनाफिकिन की तरफ जिक्र करते हुए, वो लोग नहीं आते थे, पूरे सहाबा आते थे, मोमिन थे, क्या बोले मालूम, अगर इनको मालूम हो जाए दो भुने हुए खुर मिलेंगे बकरे के, वो जलाते ने पैर वो मिलेंगे, अगर अपने पैरों के बल घसीटते आना पड़े तो आएंगे, बोले तो ऐसा मतलब समझे, चलने फिरने नया तो रहा, घसीटते घसीटते आना है तो आएंगे, लेकिन जब इबादत की बात आती है तो सुस्ती करते। बोले इतना जलाल क्यों, काम नहीं आता तो डराए क्यों आखा, क्यों इतना गजब फरमाए। अगर उम्मत को अहमियत बताना मकसद था ना, आखा अहमियत बता रहे और इन शेरों के जरिए हम गलत मतलब बता के घटा दे रहे हैं, तो बताओ आखा की मर्जी पे चल रहे हैं या उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। कुरान कितनी नसीहतें कर रहा है इबादतों की, सो बेकार नहीं हो जाते वो आयत निकाल देंगे क्या जिसमें इबादतों का जिक्र है, वो हदीस अलग कर देंगे, और वो औलिया की नसीहतें जो जोहद और तकवा के मामले में इबादतों के मामले में नसीहत ही नहीं करते थे, कोई बदअमल होता तो खूब डराते थे खौफ दिलाते थे, ये सब बेकार चले जाएंगा नहीं। तो मैं कह रहा हूं कुछ शेर है आयात हादिस भी है, मुराद वो नहीं जो अपन समझते हैं, आसानी से ऐसा मुराद समझ लेना सबके बस की बात होती, 73 फिरके नहीं बनते, सब एक बन के रहते थे। अरे वो कुरान हदीस का समझना भी ऐसी कुछ लोगों की इबारतें नहीं समझते, मजाक उड़ाने उसका जो अल्लाह पैदा ही किया, बोला क्या
वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंस को पैदा ही किया इबादत के लिए। और इबादत के लिए क्योंकि मारिफत जरूरी है, जिसकी इबादत करे पहचानिए तो करेंगे ना, किसकी कर रही नहीं मालूम किसको करते हैं, पत्थरों को उठाड़ो जिधर बोले उधर कर देंगे ना, तो पहचान भी जरूरी है। इसलिए मुफत्तिरी ने कहा लिए आरिफोन, ताकि अल्लाह को पहचान, जब पहचान होगी तो इबादत उसकी कैसी बड़ी हस्ती की इबादत करे वैसा इबादत में खुशू खुद आएगा। बहरहाल मेरे कहने का मतलब मैं एक बात बताता हूँ, किसी से अमल छुट जा रहा है, वो अमल छूटने पर नादिम और शर्मिंदा है, खौफ खा रहा है मेरे से रब की नाफरमानी हो गई, मेरे से मुस्तफा की नाफरमानी हो गई, खौफ खा रहा है और दिल में शर्मिंदा है, जो हो गया हो गया, आइंदा नहीं करूंगा, अय अल्लाह जो हो गया माफ कर दे, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर, जो दिल में जज्बा आता है उसका नाम तौबा है। तो ऐसा शख्स गफलत हो गई लेकिन नादिम शर्मिंदा है, ऐसा शख्स शर्मिंदा होकर तौबा करता है तो अल्लाह को उसकी तौबा इतनी पसंद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया वमा फीहा से बढ़कर अल्लाह के पास गुनाहगार का खौफ से निकले हुआ आंसू का खतरा हुआ करता है, और इसका एक खतरा जो अल्लाह के डर से निकलता आंख से इसकी दोजख बुझा देता है, इसकी दोजख बुझा देता है। क्या मतलब? गुनाहों की वजह से दोजख जो वाजिब हो चुकी है, खौफ से जो आंसू निकले उसकी वजह से जो जहन्नम में नाम लिखा जा चुका, अल्लाह कहता है फरिश्तों नाफरमानी तो किया है लेकिन डर गया है, इसका दोजख की लिस्ट में से नाम निकाल के जन्नती लिस्ट में शामिल कर दो। ये मतलब है दोजख को बुझा देने का, आंसू बुझा देने का मतलब दोजख से बचा लिया जाता है। मगर तौबा बोलते किसको? जो किए उस पे शर्मिंदा हो नाफरमानी, आइंदा नहीं करने का पक्का आजम करें, फिर अल्लाह से माफी चाहे। अल्लाह जो इसका नाम है तौबा, तो तौबा अल्लाह को इतना पसंद है, मतलब कभी नहीं करेंगे बोलना इतना पसंद है, जो हुआ गलत है बोलना ये पसंद है, अरे अल्लाह जो हुआ माफ कर दो बोलना पसंद है, इसके बरखिलाफ ढटाई देख लेंगे हमको दोजख क्या कैसे जलाती, हम भी आशिक रसूल है। अरे आशिक रसूल बोलने से पहले मैं किस लिए बोल रहा हूं, ये इशारों शेरों से ऐसा समझ, बोलने से पहले देखो इश्क का तकाजा क्या होता है, इश्क नाफरमानी की तरह ली जाती या गुलामी की तरह लिख जाती, बोलो। अरे तेरे को दोजख का खौफ होगा, मेरे को दोजख का डर नहीं, मुझे जन्नत की शौक नहीं, मुझे जन्नत की जरूरत नहीं, मुझे बस नबी की मोहब्बत मिली तो बस है। कहीं तो भी नबी की मोहब्बत और दोजख जमा होती जी, मोहब्बत मिल गई तो खुद ही दोजख से बचेगा, खुद ही जन्नत मिलेगी, ऐसा समझ रहे? मोहब्बत अलग चीज है, जन्नत दोजख, जिसको मोहब्बत मिलेगी वह दोजख से नजात नहीं मिलेगी। हाँ, जिसको मोहब्बत नहीं मिली, जिसको मोहब्बत मिली वो दोजख से नहीं बच सकता, जन्नत नहीं मिल सकती, ये मतलब हुआ कि भाई दोजख का डर तुझे, मुझे दोजख का डर नहीं चाहिए, मुझे जन्नत का शौक नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मैं कह रहा हूं मोहब्बत है तो खुद ब खुद जन्नत भी मिलेगी, दोजख से नजात भी मिलेगी। तो जहां मोहब्बत है दोजख से नजात भी है, मुझे दोजख का डर नहीं बोलने की क्या बात, जन्नत का शौक बोलने नहीं है बोलने की क्या बात, जहां मोहब्बत है वहां जन्नत भी है ना, नहीं बोलने की क्या बात, मोहब्बत की बरकत से जन्नत मिली जरूरत नहीं बोलना, अल्लाह की नेमत की नाशुकर गुजारी है, और दोजख का खौफ नहीं बोलना, अल्लाह की बेनियाजी की तरफ मुझे डर नहीं है तेरी दोजख का, अल्लाह बनाया ही दोजख को डराने के लिए, हम कहते बना ले मैं डरता नहीं, ये मतलब निकलता। अजी बुजुर्गान दीन वो नहीं बोले जो हम समझ, आम तौर पे जो समझा जा रहा है दोजख का डर नहीं जन्नत की जरूरत नहीं, ये है बुजुर्गान दीन ने कहा है इबादत करें तो दोजख से डर के नहीं करें, रब की मोहब्बत में करें, जन्नत के शौक में ना करें रब की मोहब्बत में करें। अरे जन्नत मांगना अलग चीज है, दोजख से बचने का सवाल अलग चीज है, इबादत को इसके लिए करना अलग चीज है। इसीलिए सय्यदा राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा यही देखे हैं भाई दोजख से डर डर के इबादत कर रहे, मोहब्बत की वजह से करने का जज्बा छोड़ के
जन्नत के शौक में इबादत करें। वो देखकर एक मर्तबा क्या किया इन्होंने, एक हाथ में पानी ले लिया बकेट, एक हाथ में काली की डब्बी ले लिया, लेके बड़े जलाल से गुजर रहे हैं। कई को लोग पूछेंगे क्यों जा रहे, तो मैं जवाब दूंगी, बल्कि यो बड़े जलाल में जा रहे हैं, मजसूबा थे वलिया बहुत बड़े दर्जे के। एक बंदों ने कहा हजरत ये क्या है, ये क्या है, जलाल क्या है? कहा मैं जाके जन्नत को आग लगाने जा रही हूं। और ये काली की डब्बी क्यों? काली की डब्बी जन्नत को आग लगाने जा रही हूं। ये बकेट क्यों? दोजख बुझा देने जा रही हूं। बल्कि क्या बोले मालूम? इसलिए बुझा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों बोले सवाल करने वाले चाहने वालों ने, ऐसा क्यों? दोजख को क्यों बुझा देना चाहते हैं, जन्नत को क्यों जला देना चाहते हैं? तो जवाब में बोले क्या अल्लाह दोजख नहीं पैदा करता, जन्नत नहीं बनाता, तो अल्लाह इबादत का मुस्ताक नहीं था क्या? दोजख के डर के ही पढ़ना है क्या? जन्नत के शौक में पढ़ना है क्या? उसकी अजमत और जलाल की खातिर नहीं है इबादत, उसकी मोहब्बत में करना नहीं है? तो मतलब ये दोजख से डर के मत करो, जन्नत के शौक में मत करो, सिर्फ रब की मोहब्बत में करो, ये आला दर्जे की इबादत है। ये मुराद बोले इबादत में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, नबी की गुलामी का जज्बा हो, ये बोलने के मतलब से बोले हमारे दोजख डरते नहीं, जन्नत का शौक, ये का मतलब निकलता जी बुजुर्गों के इरशाद में? उन्होंने एक बोल रहे हैं, अपन एक निकाल रहे हैं। हो रहा क्या? बदामाली में ढटाई हो रही, पहले मजे में बदामाली कर रहे हैं। हाँ है ना हमारे पास अच्छी तालीम भी चली ना। मैं एक बात बोलूं, अकीदा पक्का है, किसी भी आलिम से पूछो आप, खुसूसन अहले सुन्नत के, मैं मदारिस बताऊं, जामे निजामिया, बरेली शरीफ, कचोटा शरीफ, अशरफिया, ये अहले सुन्नत के मरकज हैं। चाहे आप इन मराकिज में जाके पूछो या दीगर उलमाए किराम के पास पूछो, जो सही मसाइल में सही बात, मसाइल में गलत है, मगर इस मसले में मैं बताऊं आपको, एक कानून है बाबा, इबादत छूट जा रही, एकदम सुस्ती कायली कुछ भी हो गई, भूल हो गई, छूट जा रही, उसके बाद डर पैदा हो रहा, खौफ पैदा हो जा रहा, छूटने का इबादत है, तो वो माफ है, अल्लाह माफ कर देता है, तौबा की बात। लेकिन जो इबादतें हकीर समझ के छोड़ दे, हलाल समझ के छोड़ दे, छोड़ना जाए, ये क्या इबादतें, मामूली चीज है, वो सुक्के मौलवियों का काम है इबादत, ये तर तराजा नहीं है। इस किस्म की बातें करना इबादत की तौहीन में आता है, मैं बता रहा हूं, वजाहत बोल रहे जी, कई लोग से सुना मैं, इबादत सुक्के मौलवियों, ये मौलवियों को मुबारक हो इबादत, हमको मोहब्बत मुबारक हो। अरे मोहब्बत करने वाला इबादत नहीं करता क्या जी? मोहब्बत करने वाले से गफलत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत और इबादत नहीं जमा हो सकती, ये मतलब नहीं कर रहा। हमें मोहब्बत चाहिए, तुझे इबादत, मतलब दो एक जगह नहीं जमा हो सकते। जो मोहब्बत करता है इबादत नहीं कर सकता, जो इबादत करता है, ये मतलब नहीं कर रहा ना जी। बताओ मोहब्बत इबादत नहीं जमा हुआ, ये बंदा नवाज इबादत करते तो मोहब्बत नहीं थी, गरीब नवाज इबादत करते तो क्या मोहब्बत नहीं थी, गौसे पाक इबादत करते तो क्या मोहब्बत नहीं थी? अरे मोहब्बत ही इबादत की तरफ ले जाने वाली है। किन किन पे उंगली उठती है? आज के जमाने के किसी आलिम पे नहीं, पूरे बुजुर्गाने दिन पर, ये इबादत वाले, हम मोहब्बत वाले, इबादत छोड़े तो मोहब्बत, इबादत करे तो खत्म। तो कोई वली मोहब्बत नहीं रखते थे, इसलिए इबादत ना करे, ये मतलब निकल रहा सोबरों। हालांकि बुजुर्गाने दिन जो बोले, मैं मतलब समझा रहा हूं ना, इबादत अल्लाह के लिए करो, दोजख के खौफ से भी करे तो मुजरिम नहीं हो जाते, अल्लाह खुद दोजख से डराया है ताकि आज दोजख से डर के करें, कल मोहब्बत में करने लग जाएंगे मजा लग, आज जन्नत की शौक में करें, इबादत का मजा लग जाए तो खालिस मेरी अजमत में करेंगे। अल्लाह ने खुद डराया है भाई, अल्लाह ने खुद शौक दिलाया, कोई जुर्म नहीं है, मगर वो बड़ा दर्जा नहीं है, इसलिए बड़े दर्जे को पहुंचने, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने ये बात कही है, अल्लाह की मोहब्बत में करो। दो ये नहीं कहे दोजख से डरो नको, जन्नत का शौक नको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन है कायनात में? आप दोजख से पनाह मांगते थे, बल्कि हदीस में आया जन्नत को मांगा करते थे,
कसरत से, और फिर उम्मत को बोले अल्लाह से दोजख की पनाह मांगा करो और अल्लाह से जन्नत में बुले बुलंद दर्जात मांगो, और खुसूसन बताए अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। आखा कहते जन्नतुल फिरदौस मांगो, दोजख से पनाह मांगो। हम उम्मती होके कहते कुछ भी जरूरत नहीं है। नबी गलत तालीम दिए क्या जी? मतलब हाँ सही नहीं समझने का। बुजुर्गान दीन एक बताना चाह रहे, अपन एक मतलब निकाल रहे हैं जिससे आमाल। मैं क्यों बता रहा हूं, वली की तारीफ करते हुए, वली जब तक नहीं होते, अल्लाह ने कहा ईमान के साथ जब तक तखवा नहीं मिल जाता। मतलब तखवा छोड़ने का, मोमिन तो होता वली नहीं होता ना। क्या तालीम ये दे रहे हैं? नहीं, सब मोमिन बनो ठीक है, अब वली बनने की कोई हाजत नहीं। अल्लाह बार बार इबादतों का शौक दिला रहा था कि मेरे खुर्ब पाओ, रम गिरा रहे हैं। अरे नहीं हो रही गलती, तौबा कर लेना है, ढटाई नहीं पैदा करना, ना अपने नफ्स को ना दूसरों को धोखा देना है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जाते रहते ना जी इतिहास कहाँ क्या हो रहा, सो हम सुनते सुनते उम्मत को बचाने की फिक्र में मैं ये बोल रहा हूँ। ये शेरों के गलत मतलब मत समझो, जाहिर में जो रहता नहीं अंदर एक मतलब रहता जी। हाँ, बोलने वाले नेक बंदे होते तो अलग मतलब। मैं भी शहीदा राबिया बथरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वाक़या ने बोला है ना, इबादत के बारे में, इबादत इसमें मत करो, रब की मोहब्बत में करो। दोज़ख से करना है तो मफाद परस्ती हुई, जन्नत में मफाद परस्त बे मफाद के थी, रब की मोहब्बत में करो, ये आला दर्जे की इबादत। ये मतलब है, ये नहीं दोज़ख से डरो इज न खोजन। फिर प्यारे नबी तालीम कही कूदी है, दोज़ख से पनाह मांगो, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस मांगो। नहीं डरते बोल रहे, जरा मैं देखता हूँ, दोज़ख तो यहाँ से 70 गुना तेज है, जरा आधा घंटा हाथ में पकड़ के बताओ। डर नहीं है सो मालूम होता कितना डर नहीं है, ऐसा करते जी। अच्छा जन्नत का शौक नहीं है कहते, जन्नत की नेमत सोच भी नहीं सकते, इतनी आला है, दुनिया की हकीर तरीन है। जरा हकीर तरीन दुनिया को छोड़ के बताओ, जन्नत बाद में छोड़ना है हकीर। जरा मुसीबत आए तो परेशान पूरा जमीन आसमान उठा लेते, यानी जरी नेमत चले गई दुनिया की तो परेशान है, जन्नत की जरूरत नहीं कहते। ये क्या की तशरी है समझ में नहीं आ। कई लोग करते तो बोलो, पहले जन्नत नहीं चाहिए तो दुनिया छोड़ के बताओ। वाकई वो औलिया अल्लाह थे, बेफिक्र थे, जंगलों में समंदरी इलाकों में जाके अल्लाह की याद में मत थे, मगर वो छोड़े भी दुनिया की नेमत तो अल्लाह की इबादत में छोड़े। उठा के देखो, वो बोले नहीं जो करे हैं, हम बोलते हैं करते नहीं है। छोटी छोटी नेमत चले जाए लड़ेंगे, उठा पटक कर देंगे, जमीन आसमान फिर पे उठा लेंगे, कहते जन्नत की जरूरत नहीं। फिर ये छोटी नेमतों में क्यों सुबह से शाम तक पड़े हुए, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों पसीना बहा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं तो इसकी क्यों पेश आई। वहां बोलने का मतलब भाई, इबादत उसके शौक में नहीं करो। ये नहीं मांगो ही नहीं, शौक ही नहीं, ऐसा जो आवाम जो गलत समझते हैं। अब इल्म वालों को मालूम यहां क्या मुराद है, इसलिए हमारा फर्ज होता है सही मुराद पहुंचाएं। तो इस किस्म की अगर शेर आए कोई गलत तशरी कर रहा तो आप हजरात अपने आप को बचा के रहो, ऐसा नहीं है शरीयत में। शरीयत बोलते ही ईमान के साथ अच्छे आमाल का नाम शरीयत। क्या आमाल शरीयत से अलग चीज है क्या जी? बुजुर्गों से नहीं सुने, शरीयत के अंदर ही और इबादत जैसी बढ़ती जाती, दिल जितना पाक होते जाता, तरीकत की मंजिल है बोलते उसको। आदमी जाके बड़ा जबी छोटा ईमान के साथ उसके आमाल में पाकीजगी नफातत बढ़ते जाती है। तो मैं एक बात बोलूं आपको, बुखारी शरीफ की हदीस है, खुद अल्लाह क्या फरमा रहा सुन लीजिए, कई बार सुना सोच मुनासिबत से मैं जो बात करूं। ला यज़ालु अब्दि यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के खुर्ब के जरिए, मेरा नवाफिल की कसरत के जरिए मेरा खुर्ब चाहता है। यानी फराइज तो अदा करता है, नवाफिल क्यों करता है? खुर्ब के लिए। अब ये खुर्ब के लिए चाहने वाले सुक्के मौलवियां है क्या जी? अल्लाह बोल रहा जी, नवाफिल की कसरत से मेरा खुर्ब चाहता है। फराइज तो अदा है, मैं हुक्म दिया मेरे हबीब जो हुक्म दे करते हैं, ये नवाफिल एक जाहिद अपनी तरफ से क्यों? ताकि मेरा रब मुझे अपना करीब बना ले, खुर्ब के लिए है। ला यज़ालु अब्दि यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा जब कसरत नवाफिल के जरिए मेरा खुर्ब चाहता है। ये अल्लाह वालों की शान अल्लाह बयान कर रहा है। हमारे है
जितने महबूब नगर में औलिया अल्लाह पर्दा फरमाए हुए हैं, हयात है, या हैदराबाद दक्कन में है, दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह है, गुलबर्गा शरीफ में, अजमेर शरीफ में, बगदाद शरीफ में, इराक में, जितने औलिया अल्लाह हैं वो सब नवाफिल की कसरत से खुरबचा हैं। अब बताओ हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु 27 साल तक खुरासान के पहाड़ी इलाकों में क्या करते रहे? इबादतों की कसरत, मुजाहदात, नस पर बहरा गौस से पाक कर दिया। 27 साल तक बगदाद के जंगलों में क्या करते रहे? इबादतों की, नवाफिल की कसरत। क्यों? ताकि अल्लाह मुझे अपने करीब करे। तो अल्लाह भी क्या फरमाता है, जब कोई बंदा नवाफिल की कसरत से, यहां तो फर्ज भी नको पढ़ो बल्कि तशरियां हो रहे हैं, वहां तो है फर्ज के अलावा अल्लाह वाले नवाफिल की भी कसरत करते ताकि मेरा रब मुझे करीब कर ले। ला यज़ाल अब्दी यतक़र्रब इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल की कसरत से मेरा क़ुर्ब चाहता है, हत्ता अहबबतुहु, यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। वो चाहता है, मैं भी वैसे करता हूं, महबूब बनना चाहता है, बना लेता हूं। अब बोलो नवाफिल करे तो दोज़ख से दोज़ख में डाल देता हूं, बरा जन्नत से महरूम करता हूं। अरे दोज़ख से बचने वालों में हो जाता है, जन्नत का मुस्तहक फर्क है कि हमें मांगना होता है, वो बेमांगे भी दे देता है अल्लाह, मगर मांगने से आजिज़ी जाहिर होती है, बंदगी जाहिर होती है। अल्लाह दोज़ख से बचा, शाने बंदगी, जरूरत नहीं, बहुत बड़े हो गए अल्लाह के मुकाबले में आ गए, जन्नत की जरूरत नहीं, कितनी बड़ी बात है। प्यारे नबी नबियों के सुल्तान हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, डर से उम्मत के लिए। अपन नहीं, मैं बोलूँ जो बात शेरों के जरिए जो गलत फहमी फैल रही, मेरा मकसद जहाँ जो चीज़ औलिया अल्लाह का जहाँ बयान आता है तो दो बातों की जरूरत पड़ती है, ईमान और तकवा। क्योंकि अल्लाह बोला ना ईमान तकवा मिले तो जो वली होते हैं, तो जब वलियों की बात है तो अपने को भी वलियों के नक्शे कदम पर चले, अपन भी वली बनते हैं। खाली ईमान है तो कोई वली नहीं बनता जब तक तकवा ना मिल जाए, इसलिए मैं इस पर जोर दिया हूँ। और हालात को देख के बाद लोग है हमारा ऐसा बोलते ये इस मोहब्बत को गिरा देते, निस्बत को गिरा देते, वो अमल बोलते। अब बाद ने बोलते अमल कुछ नहीं, उसको गिरा के निस्बत बोलते। सच्चा सच्ची तालीम ये है, निस्बत भी हो, मोहब्बत भी हो, अमल भी हो, वही महबूब खुदा बनता है। दोनों चाहिए, दोनों का भी जिक्र कुरान में, ये छोड़ा तो एक कमी, वो छोड़ा तो एक कमी। आधी तालीम इधर हो रही, आधी उधर हो रही, इधर गड़े में इधर बचने गए तो वो गड़े में गिर रहे हैं, उधर बचने गए तो ये। अरे दोनों लेके चलो, अल्लाह के खुर्ब की मंजिलें तय होगी। ये रियादत क्या है, मुजाहदात क्या है, तरीकत की मंजिलें आप इन बुजुर्गों से मालूम, किताबों में पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ, सो एक बात भी गलत है तो बोलो, बोलना बंद कर दूंगा मैं। मैं जो मुराद बता रहा हूँ, इन बुजुर्गों के बोलने का मकसद अलग था, अब हर कोई समझता क्या जी। इसी वजह से तो कुरान एक बोल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं हदीस, इसलिए तो फिरके फिरके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। सब सब एक ही बात समझते तो इतने टुकड़े होते नहीं थे, समझने का ही कसूर है जी। तो हम सही समझा रहे हैं, अल्लाह एक तरफ इबादत भी करो बोल रहा और इबादत को काम नहीं आती भी बोल रहा, ऐसा होता क्या? नबी बोल रहे हैं इबादत भी करो काम नहीं आती भी, अब उन्होंने बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं तो नबी के खिलाफ होते हैं। नबी बोल रहे हैं क्या नहीं काम आती, बल्कि इसके बगैर नहीं काम आती, मोहब्बत के बगैर, निस्बत के बगैर, अदब एहतराम के बगैर, मुखरबीन के नबी के एहतराम के बगैर, ये मतलब है जी। खुद अल्लाह बुलाना नबी की शान में आवाज भी बुलंद करे तो अमल हद कर दूंगा, मतलब क्या? अमल काम नहीं आएगा अदब के बगैर, समझ में आ गया? नहीं अमल काम ही नहीं आएगा बोल रहे हो, अदब के बगैर कुछ छोड़ दे रहे तो ऐसी है। ला तखरबु सलाह बल्कि खामोश बढ़ा, नमाज के करीब मत जाओ, वान तुम सुकारा को छोड़ दे रहे। अरे कब मत जाओ बोला, जब नशे की हालत में हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ करने जा रहे हैं, नशे में गालियां निकल सकते हैं। आधा पड़े तो क्या मतलब निकला, अल्लाह बोल रहा ना जी नमाज के करीब मत जाओ, वह अंतुम सुकारा हमारा बेटा पढ़ेगा क्या बाद में नशे की हालत में। मतलब नमाज को जाओ, होश संभाल के जाओ, तारीफ करें तो भी समझ में आए कुरान क्या पढ़ रहे हैं, तस्बीह क्या, ये मतलब है। आधा पढ़ के आधा छोड़ना ये तरीका सही नहीं, आदमी भटक जाता।
मंदल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहू, कुरान कह रहा कौन है अल्लाह के पास सिफारिश करने वाला, देखो कोई भी नहीं है। बोला आधा पढ़े छोड़े तो भटक जाती ना कौम, आगे का पढ़ना इल्ला बिइज़्निही, हाँ अल्लाह की इजाजत से करने वाले है। ये हो रहा अमल काम नहीं आता बोल के खामोश बैठे तो कहां जाएंगे कौम, अमल काम नहीं आता मोहब्बत हो अदब के बगैर। अब बात पूरी हुई है नहीं, वो छोड़ देने काम ही नहीं आता को बोल के गप चुप बैठ गए तो आवाम कहां जाएंगे, काम ही नहीं आता तो चीज को सुबह शाम मेहनत करके थक गए, ये बेकार की चीजों में कौन पढ़ो नहीं बोलता जी। मैं सच्ची बात बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं इसमें, हां मैं बोल रहा था इस्तेहलाल गुना इस्तेखफाफ गुना कुफ्र है, गुना को हल्का जान के करना हलाल जान के करना कुफ्र है, इबादतों को मामूली समझ के छोड़ो तो काफिर हो जाते, ना मोहब्बत काम आती ना निस्बत काम आती बल्कि उसकी अजमत बाकी है। इसके बाद फिर भी शैतानी वसवसा कुछ भी गफलत हो गई, डर रहा है दिल, मैं कह रहा हूं ना समंदर के बराबर गुनाह भी अल्लाह माफ फरमाने वाला, पहाड़ के बराबर गुनाह भी माफ फरमाने वाला, मगर इस्तेहलाल ना हो इस्तेखफाफ ना हो। आजकल गिराया जा रहा इबादतों को, हल्के बना के पेश किया जा रहा, इस वजह से कई लोग, मैं बोलना नहीं चाहता आलम का मामला है, नाम लेके किसी को बोलना मना है, आम माहौल को बताना इसलाह के लिए ये वायदन का तरीका इजाजत इसकी है, इसको इसलाह बोलते, गीबत चुगलखोरी मना है, इसलाह नहीं होना चाहिए, ये बर्बादी अपनी, इसको इसलाह बोलते। आप कौन से भी बुजुर्ग किताब कोई नमाज छोड़े जी कोई वली बोलो, छोड़ के कोई वली बना क्या पहले तो बोल, अल्लाह ही कह रहा ईमान तखवा, तो मैं उसी तखवा है तो वजाहत करा, तखवे के बगैर वली नहीं। अब ये तखवा को गिरा दिए तो क्या होता, मैं बोला भाई जो बुजुर्गान दीन बोले जो शेरों में है वो कौन सा अमल काम नहीं आता, नबी की मोहब्बत अदब निस्बत ना हो या वली से इधर घस ले रहे हैं, मौत कुफ्र पे होती है अब क्या काम आएंगी इबादत, वली की शान में बेअदबी से बुरी मौत होती है, ये बुजुर्गों का इरशाद है, और नबी की बेअदबी से तो मौत छोड़ो अभी काफिर हो जाता है, तो अदब नहीं है मोहब्बत नहीं है बुरी मौत होती तो अमल काम अमल कहां काम आएंगे, वो उसके साथ हो तो विलायत है, ये ईमान है अदब मोहब्बत, ईमान के साथ अमल है तो विलायत है। ये मैं बार बार करूं, एक जगह में मैं कई जगह कहा और अल्लाह के करम से उसका फायदा भी हुआ, बाद में दोबारा लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, हम भी गलत फहमी में थे बोले, हम यही समझ रहे थे ये कुछ काम आने वाले नहीं, इसके बगैर नहीं ये मतलब समझ में भी आ रहा, सुस्ती कर रहे थे सुस्ती खत्म हुई, तौबा तिल्ला करने लगे और हकीर जान के काफिर भी जाते, बोला मैं अहले खिदमत शरिया निजामिया के आलिम जलील ने लिखा देखिए आप उसमें खुद यही लफ्ज है इस्तेहलाल गुना इस्तेखफाफ गुना कुफ्र है, गुना को हल्का जानना हलाल जानना दोनों कुफ्र है, ये जानकर अगर आमाल छोड़ दे या बदअमली में मुलविस हकीर समझ कर तो काफिर हो जाता, काफिर होने के बाद काफिर हो जाने के बाद ना निस्बत काम आती ना मोहब्बत काम आती ना अल्लाह वालों को ना नबियों को सिफारिश की इजाजत है, मोमिन के लिए सिफारिश की इजाजत है काफिर के लिए नहीं है, और हलाल जानने के बाद काफिर होता अब सिफारिश की उम्मीद गलत है, हलाल जानकर बोलो तौहीन करके इबादतों की। तो ये मतलब कभी भी नेक बंदे शेरों में बोलते ना खुले, मैं इतना इसलिए वजाहत कर दिया हमारे हमारी सलामती के लिए जरूरी था, और चूंकि औलिया अल्लाह का जिक्र है तो वली बनते ही, दो वजह से मैंने आयत भी पढ़ दिया तो अब मैं आगे चल रहा हूं, ये क्यों कहा जरूरत है बोल के बोला, ये नहीं होता तो इसमें इतना टाइम नहीं लगाता, हो रहा चौ तरफ। अब हमारी बात चूंकि ये हजरात इधर उधर पहुंचा दे रहे ताकि जो हजरात गफलत में ये मतलब आलिए सही हो जाए, कई जगह हुआ भाई हम भी ये समझ रहे थे अच्छा हुआ बोले फायदा हुआ। अब आगे क्या फरमा रहा अल्लाह, वली वो जो ईमान लाकर तखवा की जिंदगी उतारे, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तखून, ईमान नहीं तखवा भी है, ईमान में मोहब्बत आ गई निस्बत आ गई अदब आ गया, अब तखवा में अच्छे आमाल आ रहे हैं ना, ज़ुहद तखवा इबादत रियादत बुराइयों से बचना अच्छाइयों को अपना तखवा में आ गया, अल्लाह कह रहा है। और आगे क्या है, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा,
इनको दुनिया के जिंदगी में भी खुशखबरी है, आखिरत की जिंदगी में भी। देखो आज दुनिया में है, आम कब्रिस्तान में जाके देखो, आदमी रात हो गई तो वहां जाने डरता है, और ये वली की दरबार में आधी रात में भी आते हैं। अल्लाह कैसी इज्जत दिया है, वहां जाओ तो डरते हैं कोई बला ना पकड़ ले, और यहां डरते नहीं, समझते बला है भी तो चले जाएगा। इज्जत अल्लाह ने दिया है, दुनिया में भी इनको इज्जत है और आखिरत में भी। अल्लाह फरमा रहा लहुमुल बुशरा, इन लोगों के लिए खुशखबरी है, फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और आखिरत में। क्यों? आखिरत में इनके हर अमल के बदले बड़े बड़े मर्तबे देगा अल्लाह। अगरचे कि अल्लाह की मोहब्बत में करे, लेकिन अल्लाह मोहब्बत में करे सही है, लेकिन वो अमल का भी लिहाज करता है, और खास तौर पे मोहब्बत में जो अमल होता है उसका दर्जा तो और बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा नवाजिश का टाइम है। तो आखिरत के लिए भी खुशखबरी सुना अल्लाह, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील अली कलिमात अल्लाह, अल्लाह की बातें बदलने वाली नहीं है। अल्लाह बशारतें दे रहा है, तारीफा कर रहा है, फिर बोलेगा नहीं मैं कर दिया था अभी किसी इलाका, ऐसा नहीं। जो शान बता दिया नवाज के रहेगा अल्लाह, और नवाजते हुए दुनिया में भी देख रहे हैं, आखिरत में देख लेंगे इंशाल्लाह क्या मुकाम। यहाँ तो उतना दिखने को नहीं मिल रहा, सब अंदर अंदर रूहानियत का मामला चल रहा, महशर में तो अलानिया उनके मुकामात भी देख लेंगे, महशर में उनकी शान देख लेंगे। एक गुनाहगार पे क्या, सैकड़ों गुनाहगार पे नजर कर रहे हैं, दो दखी जाके जन्नती बन जा रहा है, वली को अल्लाह मुकाम दे रहा। तो खैर, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील अली कलिमात अल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और अल्लाह कहता है यही बड़ी कामयाबी है, ईमान और तखवा की जिंदगी गुजार कर खुदा के दोस्त बन जाना ही कामयाब है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं आपको ये बताया, इस मामले में ईमान अल्हम्दुलिल्लाह रब ने अपने कर्म से दिया, माँ बाप मुसलमान उनके बरकत से, उनकी औलाद होने की बरकत से, खानदान की सोबत की बरकत से ईमान मिल गया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरह बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं झेलना पड़ा, आखाक पे ईमान लाते तो क्या क्या तकलीफें दिए जाते, पूरे मुश्किलात के बावजूद भी इन्होंने ईमान सलामत। वो इसी मुसीबत हमको आई क्या दी, माँ बाप मुसलमान उनकी सोबत के, अब अमल रह गया। हमें चाहिए कि अमल जो अच्छा कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद, उन लोगों को हम अपना नमूना बनाना चाहिए। अमल छूट रहे हैं, अल्लाह वालों की जिंदगियां पढ़ के अपने बुजुर्गों को देखते हुए हम भी अच्छे बनने की कोशिश करें, और बुजुर्गों के वाकयात अजमतें बताने का मकसद उनकी शान सुनने के बाद दिल में अदब पैदा हो, मोहब्बत बढ़े, तो इससे ईमान खवी होता है, और इनके ज़ोहदो तखवा को सुनने के बाद हमारे ज़ोहदो तखवा में इनकलाब आ जाता है। ये दो ही मकसद होते हैं, एक तो उनकी अजमत मोहब्बत हमारे सीने में बढ़े, हमको भी उनकी तरह अमल, उनकी तरह इबादतें, उनकी तरह रियाजतें करने का जज्बा पैदा हो, उनकी तरह जा सिफात का इल्म हासिल करें। बहरहाल मुअज्जज़ सामने किराम, औलिया अल्लाह क्या थे, मैं जो बोला वो थे। अब हम लाख मजाक उड़ाएं, लेकिन जो शेरों वगैरह में गलत मफहूम जो समझ लेते हैं कहने वाले का अलग मतलब, उसमें हमारी तबाही है, गलत मफहूम मत समझिए। बल्कि औलिया अल्लाह जानते थे अमल में क्या ताकत है, अमल ही विलायत तक पहुंचाती है, खुरबे इलाही को, मगर ईमान के साथ है तो, ईमान नहीं है तो कोई अमल काम आने वाला नहीं है। हम खुद कहते कोई अमल काम आने वाला नहीं बगैर ईमान के, बगैर नबियों की मोहब्बत और अदब के। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कायनात में बेमिसाल। अब मैं आपके सामने, दुनिया में भी अल्लाह नवाजता है, आखिरत तो देखने की है, वो तो नवाजिश ही का टाइम है। दुनिया इबादत की जगह है, आजमाइश की, खुद वलियों की भी आजमाइश है, मगर आजमाइश की जगह भी अल्लाह दोस्तों को नवाजता है। हम कई वाकयात करामात नहीं देखे, औलिया अल्लाह की करामात क्या, दूसरों को जो दौलत नहीं मिलती अल्लाह दोस्तों को दे देता है, करामत बोलते हैं उसको, वो काम दूसरे नहीं कर सकते वली कर देता है, कशफ उनको हासिल होता है। हमारे दिलों के हालात देखने लग जाते हैं, जिसको अल्लाह जिस वली को कशफ कर दें, दीवार के बाहर की चीज़ें नज़र आने लगती है, ज़मीन के अंदर की चीज़ें नज़र आने लगती है, कशफ हुआ तो। और इल्हाम, अच्छी अच्छी बातें अल्लाह उनके दिलों में डालता है, ये दुनिया में इतना वाजिश हो रही उनको, उनका दिल नूरानी चमकदार हो गया, अल्लाह अच्छी अच्छी बातें दिल में डालता है।
कश्फ करता है, करामतें देता है, ये सब हमारा अकीदा है ना जी। करामत हक है, कश्फ हक है, इल्हाम हक है, ये सब अल्लाह नवाजता है। तो दुनिया से ही नवाजी शुरू हो रही है, इंतकाल के बाद तो अब क्या बोलते हैं, वो तो देखने का मौका है। वो तो नवाजिश के लिए बनाई गई है आखिरत, ये तो आजमाइश के लिए, दुनिया ये रहने के लिए नहीं बना, आजमाए बुला ले बस। तो बहरहाल में ज़्यादा टाइम आपका उगरा, हम औलिया अल्लाह का एहतराम अदब को बाकी रखें और उनको अपनी तरह समझना गलत है। उन्होंने भी नमाज़ पढ़ते तो हम भी नमाज पढ़ते हैं ना, वो रोज़ा रखते तो हम भी तो रोज़ा रखते हैं ना, वो ज़कात हज अदा करे तो हम भी तो करते हैं, वो हम बराबर बराबर उनके पास जाने की क्या ज़रूरत। अरे हम भी तो कर रहे हैं बस, वो जैसे इबादत करते हैं। इस किस्म की बातें आदमी को अल्लाह के क़ुर्ब से दूर कर देती है। मैं एक बात बोलूं, जहां इबादत रियादत हमारे लिए ज़रूरी है अल्लाह के क़ुर्ब के लिए, वहीं अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत भी है, उनकी अजमत भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जहां अल्लाह नमाज रोज़ों इबादतों का जिक्र हुक्म दिया है, वहीं अल्लाह अपने दोस्तों की मोहब्बत और अदब का भी हुक्म दिया। इबादतें ये भी हुक्म है, इनका अदब एहतराम मोहब्बत वो भी हुक्म है। तो इनकी अजमतों को छोड़कर हम डायरेक्ट मिलना चाहे तो ये आदाब के भी खिलाफ है। कोई वली बड़े से बड़े मर्तबे पे गए, मैं को किसी वली की क्या आदत, मैं खुद वली बन गया भी नहीं बोले, मतलब मैं खुद अमल कर रहा हूँ वो भी अमल कर रहे नहीं बोले, वो भी अपने से बड़े वली की सोहबत को अपनाए हैं खुद पाने के लिए। देखो बंदा नवाज है, वो भी अपने पीर व मुर्शिद की सोहबत में रहते हैं, हालांकि वो खुद ताजदार हैं दक्कन के वलियों के। गरीब नवाज हैं, पूरे हिंदुस्तान के वलियों के सालार हैं, वो भी अपने पीर व मुर्शिद की सोहबत में रहते हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी देकर फैज पाते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु औलिया के सुल्तान हैं, वो भी अपने पीर व मुर्शिदों की सोहबत में रहे हैं, समझ गए बात को, उनके भी पीरान तरीक़त है। ये क्या है, हमको ज़रूरत नहीं बोलना गलत है। औलिया अल्लाह की सोहबत से ख़ल्ब में जो नूरानियत पैदा होती है, अलग इबादत करने से नहीं होती है, उनकी दुआओं उनकी तवज्जोहात से जो नूरानियत पैदा होती। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, एक साथ सोहबत बा औलिया बेहतर सत साला ताते बेरिया, बगैर रिया की सौ साल की इबादत से एक वली की एक सिकंद की सोहबत उससे बेहतर है। बोले यानी मतलब हम इबादत पे इबादत करते, दिल में वो नूर नहीं आता, वली की सोहबत से जो नूर आता है, उस नूरानियत से जो इबादत की जाती है, उसका जो मुकाम है, बगैर उस कल्ब की नूरानियत के वो मर्तबा नहीं है। इसलिए भी आम इबादतों में अल्लाह वालों की इबादतों में भी बहुत बड़ा फर्क है, उनका कल्ब उनकी रूह जो नूरानियत रखती है, उसके साथ जो इबादत करते हैं तो थोड़ी इबादत भी बड़े मुकाम को पहुंचाती है, और हमारी कसरत इबादत भी वो मुकाम को नहीं पहुंचाती। खल्व की रूहानी नूरानियत की बड़ी अहमियत है, ये औलिया अल्लाह में हुआ होती है। वो सब बताने का टाइम नहीं है, बहरहाल उनकी सोहबत का असर होता है। मैं सोहबत के असर को एक मिसाल दे के ख़त्म कर देता हूँ। देखो भाई, ये लोहे का टुकड़ा है ना, आग की सोहबत में रखो थोड़ी देर, लोहे का रंग काला है, आग में रहने के बाद लाल हो जाता है ना, ठंडा था लोहा गर्म हो जाता है, अब तक पकड़ते थे नहीं पकड़ सकते हैं, वजह क्या हुई, आग की सोहबत में रहा, आग की रंगत लोहे में आ गई, आग की गर्मी लोहे में आ गई, उसकी तबीयत उसका मिजाज इसमें आ गया। एक लोहा आग की सोहबत में रहकर उसका असर पा सकता है, तो एक हबीब का उम्मती वली की सोहबत में रहकर वली के आसार क्यों नहीं पा सकता है बना। इसलिए प्यारे नबी बोले, अच्छी सोहबत को अपनाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया कूनू मा सादिकीन का मतलब औलिया अल्लाह के साथ रहो। प्यारे नबी मिसालें दे दे के बता, अच्छी सोहबत में रहने वाले की ये मिसाल है, बुरी सोहबत में रहने वाले की। अब मैं टाइम होता बल्कि मैं नहीं सोचा, औलिया अल्लाह ने कहा सोहबत है साले तुरा साले कुनत, सोहबत है ताले तुरा ताले कुनत, अच्छों की सोहबत में रहो अच्छे हो जाओगे, बुरों की सोहबत में रहो बुरे। ये फितरत भी है, एक सैनमा देखने वाले की सोहबत में रहे, सैनमा देखने का टाइम आया दोस्त चलो 3 घंटे जरा गुजार के आ जाएंगे, आओ यार दिल नहीं लग रहा गया वहां देख लेते बैठा, पूरा 3 घंटे बर्बाद करके आया, वही
नमाजी की सोबत में रहो, अजा हो रही यार चलो मस्जिद को, जैसी की सोबत में रहे उधर रास्ता अपनाना आसान हो जाता है। फितरी बात है। एक गाने गाने वाली माँ है, गाने गाते रहती, बच्चा भी सोबत में वही गाने गाना शुरू कर देता है। एक माँ नबी की नात पढ़ने वाली होती है, बच्चा भी नाते मुस्तफा शुरू कर देता है। सोबत का असर बराबर है। माँ बाप है सुबह शाम तस्बीह है इलाही कर रहे, तहलील तकबीर कर रहे। आप उठा के देखिए, एक माँ नमाज पढ़ती है ना, बच्चा भी बाजू ही खड़े रह के खड़े रह जाता, वो रुकू में गए ये भी जाने की, सजदे में गए सजदा बेचारा नहीं कर सकता, पूरा औंधा सो जाता है, हमने देखा वो दरअसल उसका सजदा है। और सर उठा के देखता माँ क्या करी, फिर सजदे में ही यूं चले जाता। आप देखिए बच्चों नमाज पढ़ के देखिए बच्चे क्या करते हैं। अरे मस्जिदों में अब्बा भाइयों बड़े भाइयों के साथ आते हैं, उन्होंने कैसे कर रही हूँ करते हैं। अगर इसे टेढ़ा मेढ़ा रुकू टेढ़ा मेढ़ा सजदा सही, नखल का मिजाज होता है, सोबत जैसी वैसा असर पैदा होता है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की ऐसी सोबतों में रहते हैं। मस्जिद किनका किनका? अच्छा अजी हजरत एक बहुत बड़े वली सईदी अफजल बियाबानी सबला अलैहि रहमतुल्लाह के मौजूदा सज्जाद साहब कबला, उनकी वालिद माजिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें बड़े दर्जात से नवाजे, ऊँचे मुकामात से नवाजे, और इनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील दे। तमाम वाबस्ता सिलसिले वाले चाहने वाले सबको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह हमको भी पाकिदा दिल बंदों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दें। अल्लाह जो हमें पर्दा कर गए हैं मुसीबतों में है, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत और करम से माला माल कर दें, मुसीबतों से सबको बचा लें। अल्लाह जिसमें तेरा गज़ब नाराज़गी उन रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा ले, जिसमें तेरा रिदा और खुरब है पाक परवरदिगार उस रास्ते पर चलना आसान फरमा दे, और उसमें तेरी खास नज़र करम से हमें मदद फरमा खा, और हमेशा हमको नफ्सों की शरारत शैतानों की मखलूक की शरारतों से हिफाजत फरमा ले आका। जो जिन मुश्किलात में मुसीबतों में पड़े हैं उनको से निकाल कर राहत अता फरमा। आमीन बिजाह हबीब सिद्दिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्की ला इलाहा इल्लल्लाह।